स्वस्ति फाउंडेशन, जीव हरि कौशल सांवरिया ट्रस्ट, आनंदा ब्लिस्क फाउंडेशन एवं युगधारा पत्रिका ने आज करोल बाग में स्वच्छता किट का वितरण कर लोगों को सफाई की अहमियत के बारे में जागरूक किया। देखिए, मैं ट्रस्ट के बारे में तो ये कहूँगी कि कोरोना से पहले से ये ट्रस्ट जो है कई ऐसे अभियान चला रही है, जैसे कि सफाई अभियान और काफ़ी चीज़ों के बारे में हम जागरूक करते रहते हैं समय समय पर, और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं लोगों की, वो समस्याएं हम सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रखर, साथ ही साथ मैं प्रखर फाउंडेशन को भी धन्यवाद कहूँगी कि वो हमारे साथ जो है कार्य को कर रही हैं और लगातार वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो ट्रस्ट है, इसमें लोगों का क्या सहयोग रहता है और सरकार का क्या सहयोग रहता है? देखिए, सरकार का तो नहीं होता है, ये सब हम मिलजुल कर ही इस कार्य को करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो किस तरह की महिलाओं को आपने बुलाया है यहाँ पर, जिनको ये सफाई किट आप एज ए गिफ्ट दे रहे हैं? देखिए, महिलाओं को अगर हम गणना करें तो महिलाएं तो सभी वर्ग की महिलाएं हैं, सभी जाति की महिलाएं हैं। हमने कभी किसी को चिन्हित नहीं किया है कि एक वर्ग या कोई एक जाति की महिला को हमने ढूंढा और उनको बुलाया और उनको हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने सबको बुलाया है क्योंकि जागरूकता, सफाई के लिए जागरूक होना ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। मेरा नाम शैलेश शास्त्री है और मैं संस्था का एक सदस्य हूँ और संस्था के ही सेवा कार्यों में लगा रहता हूँ। एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम है, ये जो स्वच्छता किट वितरण का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया था कि हर संपूर्ण देश और हर प्रांत और हर ग्राम स्वच्छ होना चाहिए, और उसी स्वच्छता के संदेश को लेकर के हम जगह जगह जा रहे हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से हम जो है लोगों को स्वच्छता किट का वितरण कर रहे हैं। अन्य अन्य स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पर हम जो है अलग अलग तिथियों में जा कर के लोगों के बीच में जा कर के जो है स्वच्छता जो किट जो हमने बनाई है, तैयार की हैं, जो कि लोग आपस स्वयं जागरूक हो सकें और दूसरों को जागरूक कर सकें। तो ये कार्यक्रम हम पिछले कोरोना काल के समय से द हरि कौशल सेठ जो सांवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके माध्यम से, और आनंदा द ब्लिस पब्लिकेशन जो फाउंडेशन है, इसके माध्यम से हम बहुत लंबे समय से इन कार्यों को करते आ रहे हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बहुत सारी जो हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इन माताओं और बहनों को इसमें जोड़ने का कारण यही है कि घर की जो साफ सफाई है, जो जागरूकता का संदेश जो माँ बहनें दे सकती हैं, वो हम पुरुष ज़्यादा अच्छे रूप में नहीं दे सकते। क्यों? घर का सारा संचालन ही हमारी माँ और बहन के हाथ में होता है, घर की सुबह उठने से लेकर के शाम की सफाई तक। तो मेरे मध्य में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे ट्रस्ट के साथ में, जो अपनी जो नेकॉप संस्था है वो हमारा इसमें बहुत बड़े रूप में सहयोग करती है, सेठ सांवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, आनंदा द ब्लिस जो फाउंडेशन है वो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, और युगधारा विजया पत्रिका है। तो ये जो लोग सभी लोग हैं, अर्चना सिंह जिसके एडिटर हैं हमारे, बहुत पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस संस्था में सेवा दे रहे हैं, और इस सेवा कार्य को हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक चले और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति नहीं पहुँचे। पिछली बार भी हम जब ने कहा करीबन 500 से 1000 लोगों की भीड़ थी, आज भी हम देखो आप लोग देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। एक संदेश देना चाहते हैं, एक जागरूकता कार्यक्रम है, हम सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि एक बार जागरूक हों, और जब एक बार ये ललक जगेगी, एक बार ये ज्योति जल जाएगी, तो एक भजन है आप लोगों ने सब सुना होगा कि ज्योति से ज्योति जगाते जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हम उसी ज्योति से ज्योति एक एक करके जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये संख्या और बहुत बड़ी होगी। धन्यवाद। बिहारी लाल जी की बहुत अनुपम कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम कुछ गरीब परिवार लोग अपनी आमदनी का एक भाग हम समाज के अंदर सफाई किट और राशन किट बांटने में लगाते हैं। ये कार्य हमारे कोविड काल से निरंतर चलते आ रहे हैं। आज बहन अर्चना ने भी हमें अपने पास बुलाया। इनकी स्वस्ति फाउंडेशन समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छा कार्य करती है और उसका बहुत प्रभाव है। ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये दान कराती हैं, सॉरी मैंने दान वर्ड यूज़ करा, ये एक तरीके से हमारी सहायता है, और ये समाज के अंदर एक मैसेज देते हैं हम लोग कि सफाई की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हम लोगों की लाइफ के अंदर। तो हाँ, आज की कड़ी के अंदर हमने वही सेम रिपीट किया हुआ है। इसमें सफाई किट है, झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने का साबुन, स्नान का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, और घर के अंदर जो भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। हमारी आशा है परमपिता परमेश्वर से कि ये कृपा हम पे बसाए रखे,
हमारे ये कार्य निरंतर चलते रहे आप लोगों के सहयोग से। धन्यवाद जी। मैं कहना चाहती हूँ हरि कौशल सांवरिया ट्रस्ट और आनंद ब्लिस फाउंडेशन, युगधारा विजय पत्रिका, इन सब के सौजन्य से आज हमने यहाँ पर, और स्वस्ति फाउंडेशन, इन सब के सहयोग से आज हमने यहाँ पे करोल बाग में सफाई किट का वितरण किया है। और हमने ये देखा है कि इसके अंदर वही सामान है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ कि साबुन है, सर्फ है, पोछा है, झाड़ू है। इस हम ये चाहते हैं कि जो मातृशक्ति है, जो देश की जो मातृशक्ति है, वो साफ सफाई रखे अपने घर में, अपने घर के आसपास, ताकि कहते हैं कि जब हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब घर साफ सुथरा होता है तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर के अंदर। तो घर को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे देश की उन्नति हो, तरक्की हो। एक हमारी दादी नानी हमें ये अक्सर कहा करती थी कि साफ घर रखो, साफ घर रखने से घर में लक्ष्मी आती है। तो आज हमारा यही मानना है, यही उद्देश्य है। ये जो किट है हम लोगों को यहाँ पे वितरण कर रहे हैं, जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पे आई हुई है, वो अपने घर को साफ सुथरा रखें। और फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ स्वस्ति फाउंडेशन के, स्वस्ति फाउंडेशन का, युगधारा विजय पत्रिका, आनंद ब्लिस फाउंडेशन और विकास जी, विकास महेश्वरी जी, जिन सबके सहयोग से हम आज इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का जो यहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित हुई हैं और जिन्होंने पूरे आराम से, पूरे सहयोग के साथ इस किट को वो यहाँ पे आ रही हैं और साफ सफाई के महत्व को वो समझ रही हैं। धन्यवाद। सबसे ज्यादा मेरी मातृशक्ति है तो हमारा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। आज स्वास्थ्य फाउंडेशन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम स्वच्छता अभियान को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मीना जी का और पूरी ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत श्री श्याम जी का और सभी सदस्य का और हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद है राजू जी का और आए इस सभी मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और स्वच्छता का जो